राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता में आते ही हर बॉल पर सिक्स मारना शुरू कर दिया था, उसी तरह से अब आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी भी अब अपनी फॉर्म में आने लगे हैं। इसी के चलते उन्होंने अपनी पहली बैठक का आयोजन किया है। आखिर क्या हुआ जब विवादित आरसीए की हुई पहली बैठक? आखिर क्यों बैठक में नहीं पहुंचे आरसीए सचिव नांदू? क्या फिर आरसीए पर भारी पड़ेगी गुटबाजी? जिस तरह मैदान के अंदर विराट कोहली आक्रामक रुख अपनाकर विरोधी टीम के हौसले पस्त करते हैं, उसी अंदाज में सीपी जोशी मैदान के बाहर अपने विरोधियों को पस्त करने में जुट गए हैं। आरसीए अध्यक्ष के पद की बहाली के बाद में आज सीपी जोशी ने कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन किया। आयोजित की गई बैठक में उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, संयुक्त सचिव महेंद्र नार, कोषाध्यक्ष आजाद सिंह, कार्यकारिणी सदस्य के निमावत सहित कई अन्य सदस्यों के साथ में कई जिलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लेकिन बैठक में आरसीए के महासचिव आरएस नांदू के नहीं पहुंचने पर गुटबाजी की झलक देखने को मिली। प्रेस के माध्यम से लोगों को कहने का अधिकार होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि पदाधिकारी स्वयं आरसीए के नाम से अभी तक स्टेटमेंट देते रहे। हमारा शुरू से यह प्रयत्न रहा है कि आरसीए का बीसीसीआई से रिकॉग्नाइज हो जाए, और इसी दृष्टि से हमने आपको कहा था चुनाव के बाद कि हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि आरसीए को बीसीसीआई से रिकॉग्निशन मिले, और हमने उस तरफ कदम उठाए। और चुनाव के बाद हमारे जो सेक्रेटरी थे उनसे पत्र लिखवाया। पत्र लिखाने के बाद बीसीसीआई ने हमें कहा कि 2-3 कंडीशन में फुलफिल नहीं करेंगे तब तक बीसीसीआई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सीपी जोशी ने बताई क्या होगी भविष्य की योजना। आरसीए में होगी बीसीसीआई के नियमों की पालना। किसी ने नहीं मानी बात तो होगी कार्रवाई। ललित मोदी को करना होगा आरसीए से आउट। आपको बता दें कि ललित मोदी के आरसीए के साथ जुड़ाव होने के चलते राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की हालत खस्ता थी। आज ही बैठक जिस तरह की गुटबाजी उसमें देखने को मिली वो शायद भविष्य में भी चिंता का विषय बन सकता है। एक तरफ जहां पर 3 जिला संघों को जवाब के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन उनकी ओर से जवाब न आने के चलते उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, तो वहीं पर दूसरी ओर सीपी जोशी बीसीसीआई के नियमों की पालना के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। गौरतलब है कि बीसीसीआई के नियमों की पालना करने पर शायद आरसीए के बदकिस्मती के ताले खुल जाएं और फिर राजस्थान क्रिकेट आगे की ओर बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।